दोस्तों बिग बॉस ऑडिटी के लाइव फीड में घर के अंदर इस समय एक बार फिर से मनीषा रानी और फुकरा इंसान के बीच में तीखी बहसबाजी हो गई है। और दोस्तों कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है जैसे कि पूजा भट्ट और अविनाश इन लोगों की वजह से इन दोनों दोस्तों के बीच में थोड़ी बहुत दरार आनी शुरू हो चुकी है। ऐसा इसलिए दोस्तों हाल ही में घर के अंदर एक इंसिडेंट हुआ था, दरअसल जहाँ पर मनीषा रानी, फुकरा इंसान, एल्विस और आशिका भाटिया बैठकर अनार खा रहे थे और इस दौरान वहाँ पर कचरा हो गया था गार्डन एरिया में। और यहाँ पर फुकरा इंसान ने कहा कि यार ऐसे गंदगी मत फैलाओ, इसको साफ कर लो, जिसके बाद में मनीषा ने कहा था कि चलो ठीक है हम थोड़ा खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद हम सफाई कर देंगे। पीछे से अविनाश जब वहाँ पर गया तो उसने देखा कि यहाँ तो गंदगी हो रखी है और अविनाश ने जाकर फुकरा इंसान को कहा कि क्या कर रखा है भाई, वहाँ पर गंदगी कर रखी है, क्या है, सफाई वफाई करो यार, वहाँ झाड़ू वाड़ू लगाओ। और ये चीज़ जब मनीषा को पता चली तो मनीषा ने अविनाश के मुंह पे मना कर दिया और कहा कि नहीं मैं नहीं करने वाली, मुझे नहीं करना। ये चीज़ कहीं ना कहीं फुकरा इंसान को काफ़ी बुरी लगी और फुकरा इंसान इसके बाद में खुद जाकर वहाँ पर झाड़ू लगा कर आए। और दोस्तों यहाँ पर उसी मुद्दे को लेकर इस समय बहसबाजी चल रही है जहाँ पर फुकरा इंसान मनीषा रानी को कह रहे हैं कि यार ये तेरे क्या नाटक है, क्यों लोगों को यूँ करवाती है, लोगों के मुँह से ये सुनवाती है कि हम अनहाइजीनिक हैं, हम मैसी हैं, हम गंदे हैं। ये चीज़ यार लोग हमें कहते हैं ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं चाहता कि बाहर हमें लोग इस तरीके से देखें कि हम गंदे हैं, क्योंकि ये लोग हमें बार बार आके ताने मारते हैं। साले सामने वाले ग्रुप के जो लोग हैं वो कहीं भी बैठते हैं, कुछ खाते पीते हैं तो वहाँ की सफाई करके उड़ते हैं और हम जहाँ बैठते हैं वहाँ गंदगी फैलाते हैं और उसको साफ तक नहीं करते हैं। तो अगर तेरे को उस समय नहीं करना था तो कम से कम तुम मेरे को बोल देती। जिसके बाद में मनीषा ने कहा कि नहीं नहीं हम तेरे को नहीं बोल सकते काम के लिए। तो फिर फुकरा इंसान ने गुस्से में भड़कते हुए कहा कि अगर तुम मेरे को नहीं बोल सकती तो कम से कम कह तो सकती है ना कि यार मैं नहीं कर रही तुम कर दो, तो मैं कर लेता। इस पर दोस्तों यहाँ पर मनीषा ने कहा कि वो अविनाश जिस तरीके से मेरे को बोला था मुझे वो चीज़ बुरी लगी, इसलिए हमने वो नहीं किया था। कुल मिलाकर दोस्तों कहीं ना कहीं इस समय जिस तरीके से पूजा भट्ट और अविनाश इन दोनों के फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जो प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं काम कर रही है और इनके दोस्तों में इन दिनों देखा जा रहा है कि छोटी मोटी बातों पर ही बहसबाजी होना शुरू हो जाती है। आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर हमें अपनी राय जरूर बताएं। यदि आप भी मनीषा रानी, फुकरा इंसान, एल्विस और आशिका के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।